16 साल में जो नहीं हो सका वो दिल्ली कैपिटल्स ने कर दिखाया। लखनऊ में रचा इतिहास, ऐसा करने वाली बनी आईपीएल की पहली टीम। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज़। ये न्यूज़ चैनल नहीं, आपकी आवाज़ है। आवाज़ ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है। हम करते हैं सबको खबरदार। 16 साल में जो नहीं हो सका वो दिल्ली कैपिटल्स ने कर दिखाया। लखनऊ में रचा इतिहास, ऐसा करने वाली बनी आईपीएल की पहली टीम। आईपीएल 2024 के 26वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने लखनऊ सुपर जॉइंट्स को 6 विकेट से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ ने 20 ओवर में 7 विकेट खोकर स्कोर बोर्ड पर 167 रन लगाए। दिल्ली ने इस लक्ष्य को महज 4 विकेट खोकर 18.1 ओवर में हासिल कर लिया। टीम की ओर से जेक फ्रेजर ने 55 रन की तूफानी पारी खेली। आईपीएल 2024 के 26वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने लखनऊ सुपर जॉइंट्स को 6 विकेट से मात दी। लखनऊ से मिले 168 रन के लक्ष्य को दिल्ली ने 18.1 ओवर में महज 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। टीम की ओर से जेक फ्रेजर मेक गर्ग ने अपने आईपीएल डेब्यू मुकाबले में 35 गेंदों पर 55 रन की शानदार पारी खेली। वहीं कप्तान ऋषभ पंत ने 41 रन की तूफानी पारी खेली। फ्रेजर पंत ने मचाया तहलका। 168 रन के लक्ष्य का पीछा करने उत्तरी दिल्ली कैपिटल्स की शुरुआत अच्छी नहीं रही। डेविड वार्नर महज 8 रन बनाकर चलते बने। इसके बाद पृथ्वी शॉ और जेक फ्रेजर मेक गर्ग ने मोर्चा संभाला। शॉ 22 गेंदों में 32 रन बनाकर आउट हुए। हालांकि दूसरे छोर से फ्रेजर को तूफानी बल्लेबाजी जारी रही और उन्होंने ताबड़तोड़ अंदाज में खेलते हुए 35 गेंदों पर 55 रन ठोके। फ्रेजर ने अपनी इस पारी के दौरान 2 चौके और 5 छक्के जमाए। फ्रेजर को कप्तान ऋषभ पंत का भी अच्छा साथ मिला। पंत ने 24 गेंदों पर 41 रन कूटे। इस दौरान दिल्ली के कप्तान ने 4 चौके और 2 छक्के जमाए। दिल्ली ने रचा इतिहास। दिल्ली कैपिटल्स आईपीएल इतिहास की पहली टीम बन गई है जिसने 160 से ज्यादा रन के लक्ष्य को सफलतापूर्वक हासिल किया है। दिल्ली से पहले आईपीएल के 16 साल के इतिहास में यह कारनामा कोई भी टीम नहीं कर सकी है। इससे पहले साल 2023 में पंजाब किंग्स ने 160 रन के टारगेट को सफलतापूर्वक हासिल किया था। कुलदीप का चला जादू। लखनऊ सुपर जॉइंट्स के खिलाफ दिल्ली कैपिटल्स के स्पिन गेंदबाज कुलदीप यादव का जादू सिर चढ़कर बोला। कुलदीप ने 4 ओवर के स्पेल में महज 20 रन खर्च करते हुए 3 विकेट छटके। कुलदीप ने मार्कस स्टो इनिस को और निकोलस पूरन को एक ही ओवर में चलता किया। कुलदीप ने पूरन को क्लीन बोल्ड करते हुए पवेलियन की राह दिखाई। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास।